हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए के बारे में, जहां पर श्रीति झा और अरिजीत तनेजा मेन लीड्स प्ले करते हैं। लोगों को इनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इससे पहले लोग इनको एक साथ कुमकुम भाग्य में भी देख चुके थे, और इनकी जो फ्रेंडशिप है वो रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस करके इनकी केमिस्ट्री भी सीरियल में लोगों को इतनी पसंद आ रही है। तो यही जो लोगों की पसंद है वो रंग भी ला रही है। बिग बॉस शो को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस तो मिल ही रहे थे, और टीआरपी के मामले में भी शो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसी के साथ साथ शो ने अपना पहला माइलस्टोन जो होता है एपिसोड्स के तौर पे, पहली अचीवमेंट, उसको भी कम्प्लीट रिसेंटली कर लिया है। कैसे मुझे तुम मिल गए सीरियल ने 100 एपिसोड्स की कम्प्लीशन कर ली है, और सक्सेसफुली 100 एपिसोड्स को टच कराया है। वरना 100 एपिसोड्स तो कई सीरियल्स टच कर लेते हैं, लेकिन कई बार लो टीआरपी सीरियल्स भी कर लेते हैं। लेकिन ये सीरियल की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया चल रही है जी टीवी के हिसाब से, और डिसेंट परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट है शो अपनी टीआरपी को लेकर। कोई डिक्रीज़ वगैरह एकदम से देखने को नहीं मिला है अब तक, और जो ऑडियंस की तरफ से बढ़िया ही अप्रिशिएशन भी देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए 100 एपिसोड्स कंप्लीट करें, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये 500 एपिसोड्स तक जाएगा या फिर नहीं जाएगा, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नए एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं ये सब, और सारी अपकमिंग कैसे मुझे तुम मिल गए और जी टी वी की खबरों पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसी खबर मिस ना कर पाएँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।